औरतें इकट्ठा बैठकर कथरी सीने लगती हैं। कथरी का सामान खरीदने के लिए पैसे बचाना भी शुरू होता है। फिर पैसों का हिसाब रखने की बात चलती है तो औरतें लिखाई पढ़ाई का महत्व जान जाती है और चुपके से सभी लिखना पढ़ना शुरू कर देती है। मैं तुम दोनों को पढ़ना लिखना सिखाऊंगी, सबके सामने ना सही, चुपके से। अरे हमारी रानी बिटिया क्या कर रही है? दादी माँ खुद पढ़ के देखो। अरे मुझे कहाँ पढ़ना लिखना आता है बेटा, मैं पढ़ नहीं सकती। क्यों दादी माँ, तुम्हारी आंखें खराब है क्या? मैं पढ़ के दिखाती हूँ। बेटा आंखें खराब नहीं है, यूँ समझो कि बस है ही नहीं। क्यों दादी माँ, ठीक तरह से आंखें खोल के देखो, ये है सो हकारी। देखें कैसा होता है स, दिखाओ तो मुन्नी। आओ दादी माँ। ये ऐसा होता है, ये क्या है? सो। जेठानी जी, ये तुमने लिखा है? नहीं देवरानी। हाँ देवरानी। अरे वासु, जब से हमने वो सेतु बंधन का नाटक किया है ना, तब से मेरी दादी माँ श्री राम श्री राम श्री राम करके 10-10 पैसे के सिक्के छोटे मटके में डालती रहती है। यही प्रभाव होना चाहिए सेतु बंधन का। लोगों के अगर छोटे छोटे हाथ इकट्ठा होंगे ना, तो एक बड़ी ताकतवर रस्सी बन सकती है। लेकिन छोटे छोटे हाथ क्यों? मुझे क्या समझाए आप, चल छोड़। आ, 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 वा, वा। अरे त्रिपुर, ये तो क्या कर रही है? कुछ नहीं, छुपा क्यों रही है? दिखा तो मुझे। ये है तो, और ये है च, और ये है ब, ब च त स फ ल। ये तो म नहीं है, म को तो डंडा होता है। ये है ग। अच्छा, ग याने गधा। हाँ हाँ, ग याने गणेश देवर जी का नाम, ग याने गोविंद। मैंने अपनी पुरानी कथरी पे क्या किया है, अपने भाई का नाम लिखा है। अच्छा, तो मुझे बताए बिना ही औरतों की सहकारी मंडली बनाई जा रही है? जी पाटलन जी। हमारे वो ये बात जानते हैं? नहीं जानते होंगे। बड़े भोले हैं वो। तुम्हें याद है वो गंगा माई की पोती इंदु की शादी के वक्त वो बेरी माई की बहू परमेश्वरी ने कैसे धमकाया था सबको? बस हमारे इन्होंने उसकी बात मान ली और उन्हें तो अब तक लगता है कि सब ठीक हो गया। लेकिन कोई कैसे उन्हें बताए कि यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है? वो इंदु तो वापस आ गई और इधर औरतों की सहकारी मंडली बनाई जा रही है। मैंने तो अभी तक सुना था दूध की सहकारी मंडली के बारे में, मैंने शक्कर की सहकारी मंडली के बारे में सुना था, अरे मगर ये कथरी की सहकारी मंडली। जी पाटलन जी, और वो थोड़े थोड़े पैसे भी जमा कर रही है। हाँ, अब ये औरतें पैसे जमा करके मंडली बनाएंगी, फिर किताबें पढ़ेंगी, फिर यस फर्श करेंगी। हाँ, और फिर अपने पैसों से टमटम खरीदेगी और फिर हमारी आंखों के सामने ऐसे टक 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 करती हुई गुजरेगी। हे भगवान,
मैंने आवाज दी, अरे ओ कहाँ चली, जवाब भी नहीं देंगी। अरे ओ कहाँ चली? जी गाय धोने जा रही हूँ। अरे तुमसे किसने पूछा? आपने बिल्कुल ठीक ही कहा पटलन जी, अब ऐसे ही होने जा रहा है। वैसे वो गंगा माई के यहाँ रोज दोपहर को इकट्ठी होके करती क्या है? कतरी सीने जाती है बस। वो परमेश्वरी को तो सबक सिखाना ही होगा। इस वक्त परमेश्वरी स्कूल गई होगी ना? हाँ हाँ, क्या नहीं? अरे ऐसा नहीं, मैंने मैंने क्या कहा? गंगा माई, आओ गंगा माई, आओ पाटलन आओ। अरे यहाँ तो पूरा मेला लगा है, इतनी सारी कतरियाँ और सभी मिलके सी रही हैं। अभी तक तुम्हारे कानों तक ये खबर नहीं पहुंची? नहीं तो कौन सी खबर? आज शाम को ही हम तुम्हारे घर पे आकर खबर देने वाले थे, है ना? अच्छा अच्छा, तो बताओ तो क्या बात है? हम लोग औरतों की सहकारी मंडली बनाने की सोच रहे हैं। अच्छा, कौन सोच रहा है? मतलब सोचने का काम तुम सब में से कौन कर रहा है? क्योंकि सभी तो ये काम कर नहीं सकते। वो क्या है पाटलन, शहर से एक औरत आई थी। हाँ, वो महादेव की प्रोफेसर नहीं थी ना, उस जैसी। उसने जब गंगा माई की कतरी देखी तो इतना खुश हुई, इतना खुश हुई। मगर तू अपने परमेश्वरी की कतरी की बात क्यों नहीं बताती? हाँ, उसकी अक्षर वाली कतरी जब उसने देखी तो बस उसकी तो आंखें ही पड़ गई। बोली, ऐसी सुंदर कतरिया अगर तुम बनाओगी तो शहर वाले तो मर जाएंगे उनपे। अच्छा, मगर क्या वो ग्वाले की बेवा बेटी जैसे सर पर दही का मटका लेके जाती है शहर बेचने के लिए, वैसे क्या हम सब कतरियां लेके शहर जाएंगे बेचने के लिए? नहीं नहीं, वो औरत हमारी मदद करेगी, बेचने की सारी जिम्मेदारी उसकी। उसने कह दिया, आपने सुन लिया, मगर मुनाफे में उसका हिस्सा कितना होगा? नहीं नहीं, हिस्से की तो बात ही नहीं हुई। वो औरत ऐसी नहीं है। परमेश्वरी दीदी भी यही कह रही थी। दीदी की बड़ी श्रद्धा है उस पर। वो तो सिर्फ हमारे ही फायदे की बात कर रही थी। बस बस भूल जाओ, आजकल के जमाने में कभी ऐसा सुना है? मालूम है बेरी माई, गरीब बेचारे सहकारी मंडली बनाते हैं, छोटे छोटे लोग अपना हिस्सा दे देते हैं, लेकिन जो हिसाब किताब लिख सकता है वो नाग बनकर तिजोरी पर बैठ जाता है। हाँ, लेकिन यहाँ पर वो डर नहीं है, हमारी तिजोरी है मटके में और हमारा हिसाब लिखने वाली है हमारी परमेश्वरी। क्यों? हाँ। बहू, अपने खेत के नए मोड मास्टर जी को भी दे आ थोड़े। जी। बहू जी, क्या ले जा रही हो? खजाना। खजाना? खजाना? हाँ। अरे कहाँ चला तुम? मैं अभी आया। अरे ये दाढ़ी दोपहर को करता। अरे दाढ़ी, अरे कहाँ चला? नमस्ते मास्टर जी। नमस्ते नमस्ते। ये साची जी ने भेजा है, हमारे खेत के मोठ हैं। तुम भी कमाल करते हो यार। क्या एक ही कान का झुमका तुमने मटके में कैसे डाल दिया? अरे वही तो बोलता हूँ ना। क्या उस दिन मैं रिहर्सल से लौटा? हाँ। तो मेरे कान में सीता माई का झुमका। अरे घर में आया तो शुरू का एक दूर का रिश्तेदार भाई घर पे आके बैठा था। अच्छा। मैं बोला ये साला बोलेगा जीजा जी के कानों में झुमका। तो सीधा रसोई में गया। अच्छा।
हाँ। मैंने एक मटके में डाल दिया। अच्छा, अभी मैं समझा कि वो जाने के बाद मैं निकालूंगा, ठीक है, लेकिन हमारे साले साहब हाँ। रात में देर तक गए ही नहीं, और जब वो गया तब मैं भूल चुका था। बहुत अच्छा किया। अरे यही कहीं होगा, एक काम कर, किसमें ये ढूंढते हैं। इतना बड़ा घोटा मटका था यार। अरे इतने सारे सिक्के, ये हमारे भाभी का काम है। अच्छा, एक काम कर। हाँ बोल। ये उनके मंडली के पैसे हैं। अच्छा, वो औरत है हाँ। दस दस पैसे आठ आठ आने हाँ। भाभी को लाके देती है। अच्छा, भाभी का जान जी है ना। पर ये क्या तरीका हुआ पैसे रखने का? अरे अभी बातें मत कर हाँ। पहले जल्दी जल्दी सब भर ले। चल भाभी आई, चल चल जल्दी भर दे। हाँ यार, देख गणेश ये बात इन औरतों के समझ में नहीं आएगी हाँ। पर मैं एक अकल की बात बताता हूँ। बता दे। देख, ये सारे पैसे हम शंकर मामा को देते हैं। अरे इनके पैसे नहीं है। शंकर मामा को दे के ना उनसे सौ सौ के नोट लेते हैं, भाभी को रखने में आसानी होगी। अरे तू तो सचमुच का निर्देशक निकला। मैंने तो कभी ये सोचा भी नहीं था। होता है होता है। चल जल्दी चल, भाभी आने से पहले चल। सौ सौ के नोट ला के उसको चौंका ही देंगे। चल चल। और झुमका हाँ। अरे अभी रहने दे। क्यों? कल ढूंढूंगा मैं, यही कहीं होगा। लेकिन भाभी ने टूटा मटका देखा ना हाँ। तो मेरे कुछ खैर नहीं। चल 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 चल, चल। क्या शंकर मामा हाँ। हमें लगा कि शंकर मामा के पास सौ सौ के ऐसे नोटों के गड्ढे रहेंगे। अरे देखो भाई, जमाना खराब है हाँ। मैं पैसे घर में नहीं रखता, तो बैंक में रखता हूँ। देखो अभी आपको चाहिए हो तो मेरे पास सौ सौ के दो नोट हैं, वो आप रख लो और बाकी के दो दो के देता हूँ। अरे शंकर मामा, तुम्हारे दो दो के फटे पुराने नोट लेकर हम क्या करेंगे? कुल मिलाकर रुपए 500 हैं। अब देखो भाभी को सौ सौ के नोट रखने में कितनी आसानी होगी, है ना? तो ठीक है, आज शाम को मैं शहर जा रहा हूँ, आते समय सौ के तीन नोट ले आता हूँ। तब तक चाहिए तो ये दो के नोट रख लो। नहीं नहीं, एक रात हम रुक सकते हैं, भाभी को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन शंकर मामा कल जरूर ले आना, नहीं तो मेरी फांसी पक्की है। अरे घबरा मत, शंकर मामा तुम्हें फांसी नहीं चढ़ने देंगे। अगर तुम लोगों को विश्वास नहीं है तो अभी पांच मिनट में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगर मेरी बात झूठ निकली तो मुझे भी खुशी ही होगी। गांव वालों की भलाई में ही तो मेरी भलाई है, और मैं तो आप लोगों की भलाई के लिए, आप लोगों को सावधान करने के लिए आई थी। बहू ले आई पैसे? मैंने बहुत ढूंढा सासू जी, लेकिन वो मटका कहीं नहीं मिल रहा है। दीदी सच कह रहे हो? अरे क्या कह रही है तू बहू, ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, पता नहीं, शायद गोविंद या देवर जी ने। नहीं नहीं, वो भला ऐसा क्यों करेंगे? वो नहीं जानती, मगर मैं जानती हूँ वो मटका कहाँ गया है। अगर आप जानती है तो बता दीजिए ना। हाँ हाँ, बता दीजिए, बता दीजिए। मैं क्यों मेरी जबान गंदी करूँ, इसी से पूछो। नहीं सचमुच सचमुच मैं नहीं जानती, लेकिन ये कैसे हो सकता है?
कहीं ना कहीं तो मिल जाएगा। मैं सचमुच नहीं जानती, मुझे सचमुच नहीं पता। क्या हुआ भाभी? क्या हुआ भाभी? तुम्हारी मंडी के पैसे गुम हो गए। तुम खामखार हो रही हो भाभी। आ जाएंगे पैसे, यही कहीं दाहिने बाएं हाथ से रखा होगा मटका। हाँ। हाँ। मिल जाएगा। भाभी इसके पहले हमारे गांव में कभी चोरी हुई है भला? हाँ, और हम लोग कभी घर को और अलमारी को भी ताला नहीं लगाते। हाँ। और चोरी की बात तुम मन से निकाल ही दो। हाँ। विश्वास करो भाभी, तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। बता दो। चुप कर, पागल हो गया क्या? तू थोड़ी देर इंतजार नहीं कर सकता? क्या बताने जा रहे थे? क्या बताओ भाभी? वो बताने वाला था, हाँ उसने मन्नत मांगी है तुम्हारे पैसों के लिए। भाभी हम सबको विश्वास है कि 12 बजे जो बस आती है ना, उस टाइम पर तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। खुद शंकर जी लेकर आएंगे पैसे। भगवान शंकर जी लेकर आएंगे पैसे। भाभी तुम आराम से स्कूल चली जाओ। नहीं मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, मुझे दोपहर 1 बजे गंगा माई के यहाँ जाना है। ये बस क्यों नहीं आ रही? मेरे सामने तो नाटक दिखाई दे रहा है, सीता माई की अग्नि परीक्षा चल रही है। बेचारी शुद्ध चरित्रवान है तो भी लोगों ने उस पर गंदे आरोप लगाए, मगर भगवान अग्नि साक्षात प्रकट हुए। ये लो तुम्हारे 500 रुपए। ए गणेश, देख बस आ गई। मैं जब से पढ़ना लिखना सीख गई हूं, अब सब लोग मुझसे नाराज क्यों हैं? मैंने सचमुच कोई चोरी नहीं की। पढ़ लिख कर मैं अपने परिवार के लिए, हम सब के लिए कुछ अच्छा काम करना चाहती थी, लेकिन ये सब तो उल्टा ही हो गया। अगर पढ़ने लिखने से अपने लोग पराए बन जाते हैं तो नहीं चाहिए मुझे ये ज्ञान, नहीं चाहिए मुझे ये ज्ञान। इस अग्नि परीक्षा से तुम बिल्कुल शुद्ध होकर निकली हो। ये लो 500 रुपये। भाभी जी ये तुम्हें कहाँ से मिले? अरे क्या हो रहा है? मटके में मतलब मटके वाले मटके में नहीं, मैंने ये वहाँ पे डाल दिया। Oh, my God.
जल्दी तुम सबने। वाह सबकी है एक एक कतरी, सबने बनाई मिलकर, सबने एक एक कतरी। कमाल हो गया ये तो। तुम लोगों को क्या लगता है मैं बुढ़िया हो गई हूँ? तुम्हारी तरह पढ़ाई लिखाई में होशियारी नहीं दिखा सकती। अरे ये देखो मैंने कसम बनाई है, वो पढ़ो। मैंने लिखा है नारी ना हारी, आता है पढ़ने को तो पढ़ो। अरे रुको तो, अरे देखो मैं भी एक कतरी लाई हूँ। अरे तुम्हारी कतरियों के साथ इसे भी जमीन पर नीचे बिछा दो। ये देखो जाएंगे। भैंस बराबर, भैंस बराबर।